हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सर्वेइंग कर्व्स। तो सर्वेइंग कर्व्स क्या होते हैं? देखो, मैक्सिमम जो कर्व्स होते हैं वो हम हाईवे इंजीनियरिंग में देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हाईवे इंजीनियरिंग के मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें कर्व्स को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन अगर मैं सर्वेइंग के अंदर कर्व की बात करूँ तो वो एक कर्व आता है जो कि सिंपल कर्व आता है, ओनली सिंपल कर्व। अच्छा, कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग लेते हुए अगर आप सीधे चल रहे हो, लेकिन सीधे जरूरी नहीं कि हमेशा हमको सीधी ही रीडिंग मिले, हमें कभी भी एक टर्न मिल सकता है, एक कर्व मिल सकता है। इट कैन बी लुक लाइक दिस, इस तरीके से एक कर्व मिल सकता है। अगर आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप चेनिंग कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया है आपने और यहाँ पे अगर आपने एंड किया है, तो यहाँ से आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। और ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, इसी कर्व के ऊपर हमें पूरा एनालाइज करना है कि किस तरीके से कर्व काम करता है, पूरा एनालिसिस करना है इस कर्व का। इस कर्व पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इस कर्व को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये जो ये लाइन होगी वो कोर्ड होगी, लेकिन इस कर्व का एक रेडियस भी तो होगा। जो रेडियस होगा वो ऐसा होगा, ये ज़्यादा बन गया यार रेडियस, वन मिनट। ओके, दिस विल लुक लाइक दिस, बिल्कुल। अब ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये टेंजेंट बना आपका, और टेंजेंट जब मिलेंगे तो एक डेल्टा एंगल बनाएगा। इस डेल्टा एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे इस डेल्टा को। अब मैं कुछ फीचर्स इसके समझा देता हूँ तो आपको आसानी से आगे के फ्यूचर में समझ आएगा। ये देखते हैं, ये डेल्टा है तो ये पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा 180 होता है, तो ये होगा आपका 180 माइनस डेल्टा, 180 माइनस डेल्टा, ठीक है। इसको आधे में अगर ब्रेक डाउन करोगे तो इतना जो पार्ट होगा वो कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 90 बन जाएगा, और डेल्टा बाई 2, तो ये बचेगा 90 माइनस डेल्टा बाई 2। तो समझ आ गया होगा, ये भी 90 माइनस डेल्टा बाई 2। आपको पता है ये रेडियस है आर। मैं सारे फीचर्स समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान से समझना है। और ये जो वैल्यू होगी, ये जो एंगल होगा आर के साथ में, कोई भी टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का, ये याद रखना आपको। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, 9th क्लास का में भी कॉन्सेप्ट है। ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक, ओ से सी तक की लेंथ, सॉरी सी से डी तक की लेंथ, इसको हम लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट बोलते हैं। और वी से डी तक की लेंथ, ये वाली जो लेंथ होती है इसको एपेक्स बोलते हैं। और ये टी वन बोल देता हूँ इसको, टेंजेंट वन, टेंजेंट टू, टी वन से लेके वी की ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये रेडियस होती है आपकी, ये सारे की सारी चीज़ें हम इसमें फाइंड करेंगे। तो ये आपको बनाना समझ आया। अब देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है। तो अगर मैं टी वन, वी और ओ में, इस वाले ट्रायंगल में देखूं कि ये एंगल कितना होगा, तो 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम डेल्टा बाई 2। ये डेल्टा बाई 2 बनेगा, ये भी कितने बनेगा, ये भी बनेगा आपका डेल्टा बाई 2। पूरा का पूरा कितना बनेगा, ये डेल्टा बनेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, यू गॉट द ऑल पॉइंट। तो ध्यान से सुनना है, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके यहाँ पे याद रखनी है। अब हम ये 8 चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के बीच में और रेडियस ऑफ, मतलब कि रेडियस और आपके डिग्री, डिग्री मतलब ये वाला एंगल जो होगा उसके और इस रेडियस के बीच का रिलेशन हम देखेंगे। दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टी वन से वी की लेंथ देखेंगे, क्योंकि सीधा पूछ लेता है कि टेंजेंट की लेंथ बताओ, आपको वैल्यूज दे देगा। ये 8 चीज़ें हम निकालेंगे, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले से रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो फर्स्ट पॉइंट से देखिए, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द डिग्री ऑफ कर्व। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस मतलब ये रेडियस, और डिग्री ऑफ कर्व का मतलब है ये वाला थीटा, इन दोनों कर्व के बीच का थीटा। आपको पता है कि ये एक सर्कल का पार्ट है, ये क्या है, एक सेक्टर है। और आपने सेक्टर मतलब कि 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ऑफ कर्व का, है ना, लेंथ ऑफ कर्व का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, ए से लेके ये बी तक की जो डिस्टेंस है, कर्व में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस जो दिख रही है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ कर्व। अब यहाँ पे ये लेंथ ऑफ कर्व होती क्या है, ये वो मेजरमेंट है जो कि हम चेन से करते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं तभी कर्व को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है लेंथ ऑफ कर्व की। पहली कंडीशन की ये 20 मीटर का हो सकता है,
अगर ये 20 मीटर है तो यहाँ पे 20 मीटर रख के देखते हैं, यहाँ पे 20 रखेंगे और 2 पाई आर में 2 से अगर 360 को कट कर देता हूँ यहाँ 180 आ जाता है, देन इट विल बिकम व्हाट पाई आर। थीटा को मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और आर को कैपिटल आर से अपॉन में 180। तो इसको अगर मैं पूरे को कैलकुलेट करता हूँ तो R और D के बीच में एक रिलेशन आएगा, R और D के बीच में जो रिलेशन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा R इज इक्वल टू 1146 अपॉन में D। याद रखना है ये रिलेशन, ये रेडियस और आपके डिग्री, डिग्री मतलब एंगल, दोनों रेडियस के एंगल के बीच का रिलेशन है। अगर जो आपके लेंथ की वैल्यू है मतलब चेन की मतलब लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू 20 ना हो के कितनी होगी दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में ये हो सकती है 30, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इसकी आपको 30 वैल्यू दे दे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट 20 की जगह 30 रखना है और पाई कैपिटल आर डी अपॉन में 180 डिग्री। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आएगा 1720 डिवाइडेड बाई डी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। आपको सीधा पूछ लेगा कि 20 मीटर की आपकी चेन लेंथ है तो आपको रेडियस दे देगा और पूछ लेगा डिग्री कितनी होगी, और डिग्री दे देगा बोल देगा रेडियस कितनी होगी। ये तो 2017, 16, 15 और 17 इन तीनों एग्जामिनेशन में जेई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डी दे के आर पूछा है और 20 मीटर बोला है। अगर 20 मीटर 30 मीटर में से कुछ ना दे तो आप 20 मीटर कंसिडर करके देखिए, अगर ऑप्शन में आंसर मिले तो ठीक है, नहीं तो 30 मीटर कर देना है। ये तरीका होता है, पहले चीज़ तो आपको समझ आ गई। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वन क्वेश्चन विल बी देयर 101%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली जो चीज़ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है बॉस। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी है मतलब कि ए से लेके इस पॉइंट से लेके और वी तक की लेंथ फाइंड करनी है। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और इस वाले ट्रायंगल को मैं कंसिडर करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल को मैं कंसिडर करता हूँ, और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें पता है। देखो ये एक परपेंडिकुलर है, ये आर आपका बेस है, और मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली यहाँ पे टी निकालना है, और आर मेरे पास मुझे पता होता है रेडियस, और रेडियस नहीं पता होता तो हम निकाल लेते हैं, ऊपर आपको डिग्री तो कम से कम मिलेगी, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता है किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पे आपको थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या रखना होगा आपको, थीटा की जगह यहाँ पे है डेल्टा बाई टू, ओके डेल्टा बाई टू। तो डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपको जो फाइंड करना है, टेंजेंट अपॉन में बेस रेडियस है आपका। तो t इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू r tan डेल्टा बाई टू, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके। तो यही मुझे निकालना था, बेसिकली टेंजेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, इस तरीके से रेडियस की वैल्यू रखो और डेल्टा के हाफ की वैल्यू रखो, tan के साथ में आपका टेंजेंट आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो दूसरी चीज़ हमें निकालना पता चला, तीसरी चीज़ निकालना सीखते हैं, लेंथ ऑफ कर्व। देखिए कर्व की लेंथ कैसे निकालते हैं, कर्व की लेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि कर्व की लेंथ के लिए लेंथ ऑफ कर्व फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला जो फर्स्ट टाइम पे हमने देखा था, वो भी लेंथ की कर्व ही निकालने का था। यहाँ पे हम 2 की जगह 2π की जगह पाई और r की जगह कैपिटल R रख देते हैं, और थीटा की जगह यहाँ पे डेल्टा रखते हैं, तो डेल्टा अपॉन में 360। इस तरीके से लेंथ ऑफ कर्व आ जाती है, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ कर्व, ओके दिस विल बी द 360। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ कर्व, व्हाट इज़ द मीनिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लेंथ ऑफ कोड, वो ये कोड का मतलब क्या है, ये बोल रहा है बेसिकली ये जो लाइन है ना ए से और बी तक की, ये जो लाइन है इसको निकालो। इसको निकालने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ तक की पॉइंट निकाल लूँ ए से लेके, इसको कोई भी पॉइंट देता हूँ डी दे देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं इसको दुगना कर दूंगा तो पूरी डिस्टेंस पता चलेगी। ये पता कैसे चलेगी, ये पता चलेगी इस वाले ट्रायंगल से, समझ आ गया होगा, इस वाले ट्रायंगल से पता चलेगी ये, है ना, ए डी, और इसको नाम दे देता हूँ ओ, ए डी ओ से, तो ट्रायंगल ए डी ओ,
तो यहाँ पे ट्रेंगल ए डी ओ लेना आपको, कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल ए डी ओ। इस ट्रेंगल में आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा मतलब एंग थीटा है, और हमको चाहिए क्या, बेस चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देखिए हमारे पास में पाइथागोरस पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरि बोल। तो हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रेडियस होती है। तो यहाँ पे पहला ही आ जाएगा क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। थीटा की जगह यहाँ पे डेल्टा बाई टू है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन डेल्टा बाई टू इक्वल टू, पी क्या है होगा यहाँ पे, पी परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा आपका जो हमें निकालना है, जिसको मैं ए डी बोल रहा हूँ, ए डी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा, आर होगा, रेडियस। जस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस को यहाँ पे भेज देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा बाई टू। अगर मैं ए डी का दुगना कर दूँ, ए डी का दुगना कर दूँ तो ए बी आ जाएगा, तो डबल टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ए बी आ जाएगा। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हुआ, टू आर साइन डेल्टा बाई टू। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड, समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगली चीज़ निकालनी है वो क्या है, वो है आपका लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट। इस मिड ऑर्डिनेट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मिड ऑर्डिनेट का मतलब है ये एम से रिप्रेजेंट की हुई चीज़ है ना, इसको हम मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है। इसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, इसका सिर्फ आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है यार, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, इसमें जो सीधा फॉर्मूला होगा वो ये होगा आपका, जो सीधा फॉर्मूला होगा वो होगा आपका, यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट की लेंथ को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊँ, रेडियस का आर की वैल्यू मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई विद वन माइनस कोस डेल्टा बाई टू, वन माइनस कोस डेल्टा बाई टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन माइनस कोस डेल्टा बाई टू, ओके। तो ये मिड ऑर्डिनेट का सीधा आप फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या निकालना है देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट निकालना है आपको एपेक्स। अब एपेक्स होता है क्या, जो ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको हम एपेक्स बोलते हैं। इस हाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है, ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई विद, पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले में देखो दोनों में डिफरेंस याद रखोगे तो याद रहेगा, वन माइनस कोस डेल्टा बाई टू, इसमें करेंगे सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन, सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन। तो ये आपको याद रखना है एपेक्स निकालने का फॉर्मूला, आर इंटू में सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन। तो इस तरीके से आपको याद रखना लेंथ ऑफ एपेक्स। इसके बाद में क्या निकालना होता है, देखो चेनेज, चेनेज का बेसिकली मतलब क्या है वो समझेंगे हम। चेनेज का मतलब होता है, चेनेज का मतलब है कि आपने जो यहाँ से जो डिस्टेंस, यहाँ से आपने कोई रीडिंग लेना स्टार्ट किया, मतलब कि आपकी चेन सर्वे आप कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पे आपने यहाँ से कोई रीडिंग लेना स्टार्ट किया, ठीक है। और लेते हुए आप पहुँच गए कहाँ पे, टी वन मान लेता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए या टी वन, इसको मैं मान लेता हूँ टी टू, ठीक है। आपने यहाँ से एक कोई एक चेन की रीडिंग ली, दूसरी यहाँ पे ली, तीसरी यहाँ पे ली, इस तरीके से आप लेते हुए नंबर ऑफ रीडिंग आप टी टू तक पहुँच गए, ठीक है। तो बेसिकली चेनेस दो तरीके के निकलते हैं, एक तो निकलते हैं टी वन तक, दूसरी निकलते टी टू तक। तो टी टू तक निकालेंगे बाद में, पहले टी वन तक देख लेते हैं। टी वन तक की रीडिंग कैसे निकलेगी, टी वन तक की रीडिंग निकलेगी कि आप क्या करो कि आपने पूरी वी तक की चेनिंग की रीडिंग, मतलब टी वन से यहाँ से स्टार्टिंग से और वी तक की चेनिंग की रीडिंग में से माइनस कर देंगे टेंजेंट को, तो ये नीचे वाला हिस्सा आपके पास में बच जाएगा जो ही हमें चाहिए। तो बेसिकली फॉर्मूला बन क्या गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया चेनेज एट वी माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो चेनेज एट टी वन के लिए फॉर्मूला बन गया चेनेज एट वी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की चेनेज, यहाँ तक की, इसमें से माइनस कर दो किसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम चेनेज निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, चेनेज एट टी टू, चेनेज एट टी टू, तो क्या होगा, T2
T1 तक की चेंजेस, मतलब जो रीडिंग यहाँ पे ली, प्लस में लेंथ ऑफ द कर्व। इस लेंथ ऑफ द कर्व को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे चेन इज एट T1 प्लस में लेंथ ऑफ कर्व। तो आपको समझ आ गया होगा कि लेंथ ऑफ कर्व को अगर ऐड करेंगे तो हम T2 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से रीडिंग्स लेंथ जो होती है उसको ही हम चेनेज बोल रहे हैं यहाँ पे। तो चेनेज समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या निकालना है। नेक्स्ट जो चीज़ निकालनी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोड्स निकालना है। नंबर ऑफ कोड्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर ऑफ कोड्स का मतलब होता है कि कितनी आपने यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए चेन लगाई हुई है, ठीक है। उन नंबर ऑफ चेन को हम नंबर ऑफ कोड्स बोलते हैं, ठीक है, कि कितनी आपने यहाँ पे चेन लगाई रीडिंग लेने के लिए इस कर्व के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ कोड्स। तो कितनी लगाई होगी आपने देखते हैं। पहली आपने जैसे रीडिंग ली, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपकी ए पे रीडिंग कंप्लीट ना आई हो, यहाँ पे आई हो या आगे आई हो, थोड़ी लास्ट में भी आगे या पीछे आई हो, लेकिन बीच वाली रीडिंग्स जो होती हैं, इंटरमीडिएट रीडिंग होती हैं, वो तो टोटल रहेंगी। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते, तो आपने जितनी कोड्स यहाँ पे लगाई हैं उनको गिन के बताना है, आपको काउंट करके बताना है कि कितनी चेन आपने, कितनी बार चेन को आपने चेंज किया है, वो गिन के बताना है। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा एल मतलब कि लेंथ ऑफ द कर्व में से माइनस कर दो क्या, पहली कोड की रीडिंग माइनस एंथ मतलब यहाँ पे सी एन, सी एंथ कोड की रीडिंग। क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आएगा कि नहीं आएगा ये अभी पता नहीं था। इसके बाद में इसको डिवाइड कर दो, इस टोटल लेंथ को, ये जो लेंथ आई उसको डिवाइड कर दो किससे, एक चेन की मतलब कि सिंगल चेन की लेंथ से, लेंथ ऑफ सिंगल चेन। तो यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ सिंगल चेन डिवाइड कर दो और उसमें ऐड कर दो टू। अच्छा, टू ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे दो माइनस किए थे, इसलिए यहाँ पे दो, क्योंकि हमें नंबर निकालना है ना बॉस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। इसमें फिर जब प्लस किया तो माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फिर लेंथ से डिवाइड करने पे पॉइंट में वैल्यू आ जाती। तो ये हो गया आपका एन की इतनी आपकी कोड्स लगी थी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ आ गया होगा। ये आपका कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना यार। Thank you. I put the all efforts in this video.